नमस्कार। स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पंवार आप सब तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ। सबसे पहले मैं तमाम फेसबुक के मित्रों को, दर्शकों को, हमारे यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ कि हम बहुत ज्यादा लेट है दिए गए समय से। मजबूरी हम लोगों की ये है कि हम इतनी जगह, ऐसी जगह पर हम शिक्षा को आपसे रूबरू कराना चाहते थे जहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं दर्शकों को ये भी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर पाते कि हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी हो। ये भी हमारे लिए एक वजह रही कि हम शिक्षा जो वुशु की प्लेयर है उनसे आपको रूबरू लाइव करवाना चाहते थे। मैंने कल से आप सबको सूचित किया हुआ था कि हम शिक्षा से रूबरू होंगे, लेकिन मैंने फिर एक बार फिर से कहा कि हमारी मजबूरी थी, तमाम टेक्निकल गतिविधियों की वजह के बावजूद भी हम आप सबसे लाइव रूबरू नहीं करवा पाए। हरियाणा की प्लेयर हमारे साथ थी, लेकिन मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए आपको, हमारे दर्शकों को, तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करूंगी। आपने हमारे हमारे इस खिलाड़ी का इतना लंबे समय से इंतजार किया। 11:30 से हम लोग आप लोगों के साथ रूबरू होने वाले थे और लगभग 12:45 होने वाला है, इसलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधा आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ शिक्षा से। शिक्षा स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं तमाम दर्शकों के साथ आपका स्वागत करती हूं और आपसे माफी भी चाहूंगी कि मैं लगातार आपसे कोशिश कर रही थी संपर्क करने की। आपका इतना समय जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत कीमती समय होना चाहिए उसका हमने आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए लिया। शिक्षा, मैं आपसे सीधा सवाल ये जानना चाह रही हूँ कि ये तो मैंने दर्शकों को बता ही दिया कि आप हरियाणा से आती हैं, आप हरियाणा के किस, आपका हरियाणा में किस जगह से आपका जन्म स्थान है, कैसी आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, कैसी सामाजिक समाज के किस समुदाय से आप संबंध रखती हैं, कहाँ से आप आती हैं हरियाणा में? हाँ शिक्षा मैम, मैं हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट गांव इंद्रगढ़ से हूँ, बिलोंग करती हूँ। और हाँ शिक्षा, आपकी आवाज बीच में चली गई जी, एक बार दोबारा फिर दोहराना पड़ेगा, आपकी आवाज बीच में चली गई हमसे। शिक्षा अनम्यूट करिए, ये जो रेड बटन है, रेड बटन को जब आप दबाएंगी तब आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी, तमाम दर्शकों तक पहुंचेगी। हाँ शिक्षा बोलो, आप बता रहे थे कि आप कहाँ से हैं। मैं हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट गांव इंद्रगढ़ से बिलोंग करती हूँ और रोहतक महारानी किशोरी जाट कॉलेज में स्टडी करती हूँ, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस कर रही हूँ। मैं दानक समाज से हूँ। आपको खेलों में रुचि कैसे आई? आप तो पढ़ रही थी, पढ़ते हुए ये जो खेल, एक तो आप इस खेल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस खेल का नाम क्या है, आप कहाँ तक खेली है? मैं वुशु गेम खेलती हूँ, जो किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, रेसलिंग, जूडो, कराटे, मिक्स होते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं मैम। तो मैं चांदी गांव है मेरे गांव के पास, वहां 9th क्लास में स्टडी करने गई थी। पहली 1st क्लास से 8th क्लास से मैंने गांव में स्टडी की है और 9th क्लास में तब मैं चांदी गांव में गई। वहां मेरे वहां पे कोई ट्रेनिंग के लिए आए थे, कोच विजय सर है, वो ट्रेनिंग के लिए वहां आए, तो वो मैंने वहां पे ट्रेनिंग की, तो उसके माध्यम से मैं वहां फाइट हुई मेरी, वहां पे मेरा गोल्ड मेडल आया। और फिर मैं स्टेट लेवल पे नरवाना खेलने गई, वहां मैंने 40 किलो भार वर्ग में पार्टिसिपेट किया, वहां पे मेरी 7 फाइट हुई जहां मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तब से मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी वहां की, वो बोले कि ये गुड़िया आगे तक बढ़ सकती है, इसकी खेलों में रुचि है। वहां से मैंने गेम स्टार्ट किया था मैम, और फिर लगातार मैंने भाई स्टेट में 24 बार गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, 7 बार मैंने नेशनल खेला है, 1 बार सब जूनियर नेशनल में छत्तीसगढ़ खेलने गई थी, फिर मैं जूनियर नेशनल फिर छत्तीसगढ़ खेलने गई, फिर मध्य प्रदेश जबलपुर में नेशनल खेली मैंने, और फिर मैं इसमें हिमाचल में काठमंडी में फाइट हुई थी वहां खेली मैम। मतलब 2 मैंने सीनियर नेशनल शिलोंग में खेली, कराची में खेली है झारखंड में, और मैंने 2 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल प्राप्त किया मैम। अभी करंट में है, 2018 में मेरा मेडल है, 2019 में मेरा मेडल है।
और 2017 में मेरा मेडल है इंटरनेशनल प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी का मैम। अच्छा अच्छा शिक्षा ये बताओ, आपका नाम ही शिक्षा है, तो आप खेलों में और शिक्षा में कैसे बैलेंस बना पाती हैं, पढ़ाई के साथ साथ, या क्या कैसे किया? मैम मैं पढ़ाई भी साथ की साथ करती हूँ और सुबह शाम प्रैक्टिस भी रेगुलर करती हूँ, फिर रात के टाइम पे स्टडी करती हूँ। अब तो मेरी बीएससी स्पोर्ट्स साइंस हो गई है मैम, मैंने फाइनल ईयर में हूँ। मैं भी अभी बोल रहे कि 6th सेम में मैं भी प्रमोट कर दिया है, कभी बोलते कि एग्जाम होंगे तो भी ये तो पता नहीं है, बट ये हो सकता है कि मैं बीएससी फाइनल कर जाऊंगी। बहुत बढ़िया, मतलब आप एक तरफ से बीएससी हैं, दूसरी तरफ से आप चैंपियन भी हैं। शिक्षा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे जिस तरह के सेक्शन से हम लोग आते हैं, वहां पर एक तरह से खेलों को उस तरीके से ज्यादा सी अच्छी नजर से उस तरीके से नहीं दिया देखा जाता ज्यादा से ज्यादा, खासकर लड़कियों के लिए। तो क्योंकि मैं भी हरियाणा से ही आती हूँ, मैं समझ सकती हूँ इसको। तो एक तरह से ये माना जाता है कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नौकरी तक हम लोग पहुंचे हैं अभी तक। तो आप इसको कैसे देखती हैं? आपका तो खेलों में लगातार एक भागीदारी भी रही, कि समाज कैसे प्रमोट कर रहा है, आपको कैसे देख रहा है? मैं अभी खासकर अपना परिवार, आपकी माँ बहुत गर्वान्वित महसूस करती होंगी, पूरा समाज कैसे देखता है आप बदलते हुए दृश्य को? मैं इतने गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ कि मेरे जो मम्मी है वो भाई वो करती थी दिहाड़ी मजदूरी, पापा करते थे तो उनसे मेरा खर्चा चल जाता था। भाई पापा मम्मी अब लाचार हो गए हैं तो इसलिए मैंने मजबूरी में काम करना पड़ा कि मेरा गेम भी हो पाया, इसलिए मैंने ये दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी मैम की। बट मैंने गेम को नहीं छोड़ा मैम, मेरी इतनी इतनी मजबूरी होने के कारण भी मैंने ये सोचा कि मैं भाई दिहाड़ी मजदूरी करके ही मेरे गेम को आगे ले पाऊंगी, तो फिर भी मैंने अपने हौसले बुलंद रखे मैम की मैं इंडिया के लिए गोल्ड ला के दिखाऊंगी, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। बहुत तो शिक्षा, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी आपको, और इसमें खाने पीने के लिए भी एक अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है, तो कैसे हो पाएगा? क्या कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, मतलब कैसे? मैं वहाँ मनरेगा में काम करती थी मैम, तब से लॉकडाउन लग रहा है, मैं घर पे, हॉस्टल बंद हो गए थे, मैं हॉस्टल में रहती थी। तो वहाँ पे मेरी वीडियो वायरल हुई, न्यूज वाले आए वहाँ पे, उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की मैम, तो उस वीडियो वायरल के माध्यम से मेरे पास अंतरराष्ट्रीय दानक समाज संगठन से आदमी आए, उन्होंने एक संदीप कटक जी हैं, आरएमएस लडवाल साहब है, ओसीआर सिंह जी हैं, काफी 36 बिरादरी मेरे पास आई मैम, फोन भी आए मेरे पास, उन्होंने मेरी हेल्प की है मैम, जिससे मैं गेम कर पा रही हूँ। अभी मैं रोहतक में रह रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर मेरी वीडियो वायरल हुई मैम, फेसबुक पे भी हुई, यूट्यूब पे भी, सभी जगह वायरल हुई मैम, चैनलों पे भी हुई, काफी चैनल हमारे घर पे भी आए न्यूज वाले, जिन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है। और फिर मैं यहाँ जो किरण रिजिजू जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मेरे से बात की, वो बोले कि गुड़िया मैं आपके लिए मदद करेंगे, आपके लिए 5 लाख रुपए देंगे, उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए की मदद की मैम। तो उन्होंने बोला, उनसे मेरी बात हुई, सोहिल अहमद जी हैं जो हमारे इंडिया सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मेरी बात करवाई किरण रिजिजू जी से, उन्होंने लगभग 2 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट बात करी मैम मेरे से। वो बोले कि क्या गुड़िया पैसों का करोगे क्या? तो मैम मेरा जो घर था वो गिरवी पे रखा था, तो मैंने मैं सर को बोला कि सर देखो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इतनी मेहनत करके दाड़ी मजदूरी करके मेरे इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचाया है, तो वो घर है जो गिरवी रखा है पहले, मैं उसको छुटवाऊंगी। तो मैंने अब मेरा घर गिरवी रखा था जो मैंने, वो मेरा घर छुटवा रखा है, और अब यहाँ प्रैक्टिस करने में रोहतक आई हुई हूँ, मम्मी पापा ने यहाँ छोड़ रखा, मम्मी पापा गाँव में है तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। शिक्षा ये तो आपने बता ही दिया कि आपका एक फर्म डिटरमिनेशन है कि आप भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वो बहुत अच्छी बात है किरण रिजिजू जी और तमाम लोग, खासकर 36 बिरादरी आपके सहयोग करने के लिए, आपके हौसले को बढ़ाने के लिए आगे आए। तो सरकार, हरियाणा सरकार खासकर, जिस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, पहले भी और वर्तमान सरकार भी, हरियाणा से बहुत सारे खिलाड़ी आगे आए हैं और लड़कियां भी बहुत आगे आई हैं, कुछ उदाहरण तो हमारे सामने ही है। इसके बावजूद भी जो एक उचित हिस्सेदारी होनी चाहिए स्पोर्ट्स खेलने के नाते,
एक सरकार की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे ममता सोदा थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद, काफी उसके लिए भी बहुत कुछ 36 बिरादरी के लोग आगे आए थे तब जाके वो वहां तक पहुंच पाई थी, फिर उसके बाद हरियाणा सरकार ने उसको डीएसपी के पद तक पहुंचाया। क्या आपको लगता है कहीं ये खेलों में कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता काम करती है? जैसे हिमा दास खेल के आई, उसके बाद दूसरे जो खिलाड़ी खेल के आते हैं तो उनको जो सरकार, जो सरकार भी और तमाम सरकारी हमारे रिप्रेजेंटेटिव एक एक बड़ा सहयोग देते हैं, बड़ी राशि देते हैं, लेकिन हमारे जो इस सेक्शन के लोग हैं, डिप्राइड सेक्शन के, चाहे वो एसटी हो चाहे एससी हो, उनमें कहीं ना कहीं सरकार कोताही बरतती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको मनरेगा में काम करना पड़ा जबकि आप बहुत खेल चुकी हैं, मतलब भारत के कोने कोने से आप खेले हैं, और जबकि हरियाणा तो स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर रही है। नहीं मैम, देखो हरियाणा सरकार ने तो मेरे को कोई मदद नहीं दी है, बट जो यहाँ के चौटाला साहब हैं उन्होंने मेरे को 15,000 रुपये महीने देने की राय भाई वो की है कि भैया हम आपको 15,000 रुपये देंगे, आपका जो मुकाम है वो पूरा करना। लेकिन मतलब सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये तो नहीं मैम, सरकार ने चौटाला जी हमारे गाँव के हैं, रोहतक एरिया के पड़ते हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, क्योंकि भाईचारा भी हरियाणा में आज भी एक भाईचारा एक स्थापित है, देखा जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से एक जो रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारे अपने समाज के लोग, अपनी बिरादरियों के लोग, चाहे 36 बिरादरियों में से आए अपने समाज में, चाहे वो अगर सहयोग करते हैं, लेकिन वो सहयोग और ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसको तो और ज्यादा देखने की जरूरत है। मैं सहयोग की अपील करूंगी कि आपको और ज्यादा लोग, खासकर सरकारी जो अधिकारी हैं, वो स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से मदद दें। तो शिक्षक मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे जो जो हमारा जो सरकार है, मतलब हमारा जो समाज है, वो जो लड़कियों को देखने का नजरिया जो बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको देख के भी और तमाम लड़कियों को देख के भी, कैसा लगता है, कितनी खुशी मिलती है कि कुछ बदलाव आया है? बहुत खुशी मिलती है मैम, तब हमारी बिरादरी के भी हरियाणा के मेडल लाते हैं, बहुत खुशी होती थी मैम। मैं मेडल लाती थी, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते थे मैम, और तब मेरी हालत ऐसी हुई तो मम्मी पापा ही बहुत भाई ऐसे हो गए थे कि भाई बच्ची का खेल नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने अपने हौसले बुलंद रखे मैम कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करके जो मेरा मुकाम है वो पूरा कर दिखाऊं कि मेरे लिए के लिए। बहुत बढ़िया, तमाम लोगों से मैं अपील करती हूँ कि शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे आए, और आप सबने शिक्षा का परमिशन तो देखा ही है, गजब का साहस है, आगे बढ़ने की तमन्ना है, और हम चाहते हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी जिस तरीके से बाहर आई है शिक्षा, और न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि साबित किया है अपने टैलेंट से, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी सफलताओं के लिए आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ और आप आगे ही बढ़े, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहूंगी साथ ही साथ कि आप शिक्षा को भी, आपके नाम को भी सार्थक करें, बीएससी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आगे आप एमएससी भी करें, और स्पोर्ट्स के कोटे के तहत आपको हरियाणा सरकार, कम से कम हरियाणा सरकार, उसके बाद केंद्र की सरकार तो देखे ही इन सारी चीजों को। मैं तमाम स्वच्छकार समाज की आवाज के चैनल की तरफ से सब लोगों से अपील करूंगी कि शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दें, आगे आए, समाज बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम सरकारों की तरफ से, हम केंद्र सरकार की तरफ से ही क्यों अपील करें, हमारे तमाम संगठन जो काम कर रहे हैं समाज के लिए वो भी शिक्षा के लिए आगे आए। और मुझे तो वैसे बहुत खुशी मिल रही है कि हमारी हरियाणा के समाज की लड़कियां हमारे अपने उन समुदायों से, जिन समुदाय में अवसर अगर मिलता है तो साबित करने का एक बनता है। शिक्षा, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रही हूँ, जो हमारी जो लड़कियां हैं उनको आप कैसे, क्या संदेश देना चाहती हैं खेलों के मामले में? मैम यही है कि बहुत ज्यादा मेहनत करे वो मेरी तरह, और देश के लिए गोल्ड लाए, हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे हरियाणा का नाम रोशन हो, हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट और हमारे डिस्ट्रिक्ट है जी सभी जिलों का नाम रोशन हो, हमारे हरियाणा का प्रदेश का नाम रोशन हो मैम, और लड़कियां तो हमेशा आगे बढ़ती रही है। मेहनती तो है ही, लड़कियों के तो खून में ही मेहनत होती है। बहुत
बिल्कुल बहुत मेहनती है मैम, लड़कियां तो बहुत मेहनती है, बट जैसे भी ये यहाँ पे माहौल देखते हैं उसकी वजह से लड़कियों को पीछे रखते हैं तो, बट लड़कियां बहुत आगे ऊंचे लेवल तक जा सकती है, लड़कियों के अंदर टैलेंट बहुत होता है। शिक्षा, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं लड़कों की तरफ से लड़कियों को कमतर देखा जाता है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कभी? क्या मैम? मतलब कि लड़कियों को कम अवसर दिया जाता है आगे बढ़ने का, लड़कों को ज्यादा अवसर दिया जाता है, ऐसा कुछ जी मैम, ये होता आपने है महसूस मैम, किया ये है? मेरे गांव में भी है मैम, यही मैं ही लड़की हूँ जो हमारे गांव में, एक मेरे चाचा की लड़की है, हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन और लड़कियां जो मेरे से छोटी भी थी उनको भी पढ़ने भी नहीं दिया, मेरे गांव में मैं ही ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैम, और मैं ही अब तक पढ़ रही हूँ, गेम भी कर रही हूँ, बट लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मैं अपने हौसला बुलंद रख रही हूँ मैम कि मैं कामयाब होके दिखाऊंगी और देश के लिए उनको उन्हें इन गोल्ड चीजों की मेडल। तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, उनकी मानसिकता है, शुरू से ही मानसिकता रही है और मानसिकता अभी नहीं बदली, इसके बावजूद भी कि लड़कियां भारत के लिए गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत के आई हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत तक भी अपना झंडा बुलंद किया, भारत का नाम रोशन किया है, इसके बावजूद भी मानसिकता ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर इवन यहाँ तक के शहरी क्षेत्रों में भी। बट मैम लड़की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कों से आगे भले ही है बट लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, कैसे? वो स्टडी में भी गेम में भी या फिर हर जगह काम करने में भी लड़कियां लड़कों से आगे हैं, लड़कों का वैसे नाम है कि लड़के ये करते हैं वो करते हैं, लड़कियां उनसे बहुत आगे हैं, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है मैम, वैसे तो सब नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको पढ़ाता कोई नहीं, पढ़ाता कोई नहीं है क्योंकि मानसिकता वही कि लड़की की पढ़ा लिखा के शादी कर दो। अच्छा हाँ, मुझे शादी से याद आया, आप तो बीएससी भी कर चुकी हैं, क्या घर वालों के ऊपर ये दबाव रहता है, रिश्तेदारों का, समाज का, कि लड़की को बाहर भेज रहे हो, कल को शादी भी करनी है, ऐसा कुछ सुनने में आता है घर वालों की तरफ से? हाँ जी मैम, बहुत काफी कहते हैं जो मेरे ताई वगैरह हैं, चाचा अंकल आंटी हैं, सब कहते हैं कि भाई लड़की 22 एज होगी लड़के की शादी कर दो, मम्मी पापा सुन लेते क्यों भाई अनपढ़ हैं वो, कुछ भाई जैसे माहौल होगा वैसे ही बात करेंगे, वो कहते हैं कि बेटा आपकी शादी कर देते हैं, मैं सामना करती हूँ कि मैंने शादी नहीं करनी, टाइम पे सब कुछ होता है मैम, बट मेरा जो मैंने सपना सोच रखा है वो पूरा करके कभी कुछ होगा, नहीं तो वैसे कुछ नहीं करूंगी मैं। इसके अलावा और क्या करना चाहती हैं? खेलों के अलावा और जिंदगी, मतलब अपना क्या खेलों को ही समर्पित है पूरा जीवन, या आगे कुछ कोई और भी एम बनाया हुआ है? मैम देखो मैं लड़कियों को बहुत सपोर्ट करूंगी मैम आगे बढ़ के, कि लड़कियां मेरी तरह आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, वो स्टडी भी करें गेम भी करें और घर का काम भी करें, लड़कियां तो करती है मैम करती घर है, का काम भी करें स्टडी भी करें गेम भी करें, और देखो अभी ये साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल आई है, और सब और लड़कियां भी बहुत काफी हैं जो देश के लिए झंडा फहरा रही हैं, तो उनकी तरह लड़कियां बने, मैं लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया। और आप गेम के अलावा समाज की सेवा की तरफ कुछ ऐसा रुझान है कि और लड़कियां ताकि हाँ ज्यादा मैम आगे आए, क्या करना हाँ चाहती मैम हैं मैं आप बहुत साथ लड़कियों के? दूंगी, जिसने मेरे को ये बोला कि वहाँ आगे आना है या फिर मेरे समाज वालों ने या फिर और 36 बिरादरी ने मेरे को मेरा साथ मांगा, मैं उनके लिए तैयार हूँ मैम, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, कहीं बुला ले मैं वहीं तैयार जाऊंगी मैम, कहीं बुला ले मेरे को। बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा और भी शिक्षा, कई सारी शिक्षा पैदा हो, समाज को बहुत सारी शिक्षाओं की जरूरत है, आप जैसी बहुत सारी बेटियों की जरूरत है, खासकर अपने दलित समाज में तो और ज्यादा जरूरत है। असल में शिक्षा, आपसे और ज्यादा लंबी बातचीत में करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है नेटवर्क बीच में जा रही है, आवाज बीच बीच में रुक रही है, तो ज्यादा विस्तार से हम बातचीत कम कर पा रहे हैं आपके साथ, और मैं तमाम दर्शकों को ये जरूर कहना चाह रही हूँ कि हम एक बार और शिक्षा से लगातार लाइव पे बातचीत करेंगे, जिससे इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना हो, टेक्निकल भी चीजें को हम दुरुस्त करके एक बार फिर शिक्षा के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं अंतिम सवाल के से पहले तमाम दर्शकों से एक बार फिर निवेदन करती हूँ
कि शिक्षा की मदद के लिए आप आगे आए, क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि खेलों में प्रैक्टिस के लिए अच्छे से अच्छा कोच ट्रेंड कर पाए, ट्रेंड कोच भी मिले उसके लिए भी, और तमाम लोगों की तरफ से भी मैं सबको यह निवेदन करूंगी कि शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद के लिए आगे आए। मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो पा रही है शिक्षा की, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये कहूंगी कि आप लोग शिक्षा की मदद करें। शिक्षा का अकाउंट नंबर और शिक्षा का फोन नंबर मैं शेयर कर दूंगी आप सबको, जो भी आप लोग मदद करना चाहें, इंडिविजुअल के रूप में करें, संगठन के रूप में करें, या तमाम जो भी एनजीओज हैं, कुछ एनजीओज भी आगे बढ़ के शिक्षा के लिए सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम दर्शकों का, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए और भारत के लिए जल्द ही शिक्षा गोल्ड मेडल लेके आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत